हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ट्विंकलिंग वाटरमेलन के दूसरे एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में। तो एपिसोड 2 की शुरुआत होती है यून ग्योल के साथ, जो सड़क पर ऑडियंस के लिए गिटार बजा रहा होता है, लेकिन वहाँ 3 और लड़के भी होते हैं जो उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। प्रदर्शन के बाद वो लड़के उसे अपने बैंड में शामिल होने के लिए अप्रोच करते हैं, लेकिन यून ग्योल मना कर देता है। लेकिन थोड़ा ज़्यादा मनाने पर वो कुछ सोचता है और सोचने के बाद वो बैंड में शामिल हो जाता है, लेकिन वो शर्त रखता है कि उसकी फैमिली और स्कूल हमेशा उसकी प्रायोरिटी रहेंगे। एक अलग टाइमलाइन में हम देखते हैं कि ई चैन को एक चेलो प्लेयर से प्यार हुआ है जो उसकी स्कूल की पॉपुलर चेलो प्लेयर है, पर उसके दोस्त उसे कहते हैं कि वो उसे अप्रोच करना बंद कर दे, क्योंकि वो एक बहुत अमीर फैमिली से आती है और उसका एक बॉयफ्रेंड भी है जो मेडिसिन पढ़ रहा है। लेकिन वो हार नहीं मानता और वह डिसाइड करता है कि वो भी एक बैंड ज्वाइन करेगा ताकि वो उसे इम्प्रेस कर सके। बाद में जब यून ग्योल प्रैक्टिस कर रहा होता है तो उसको फ़ोन आता है कि उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया है। वो वहाँ पहुँचता है और देखता है कि उनकी पुरानी मकान मालकिन ने उसके पिता से अपनी गाड़ी टकरा दी है, लेकिन उसके पिता ने पुलिस को बताया कि एक्सीडेंट उस मालकिन ने नहीं बल्कि उसके बेटे ने किया है। वो लैंडलेडी को बताते हैं कि उनको पता है कि 6 साल पहले घर में आग किसने लगाई थी, और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। बाद में यून ग्योल और उसके पिता के बीच बातचीत होती है जो उसको झूठ बोलने पर गिल्टी बना देती है। यून ग्योल वापस अपने बैंडमेट्स के पास जाता है और उनको कहता है कि वो कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से अब बैंड का हिस्सा नहीं रह सकता। इससे गुस्सा भड़कता है और फिर वो उन्हें बताता है कि कुछ साल पहले एक आग उसकी वजह से लगी थी और वो अपनी फैमिली को फिर से वो सब नहीं दिखा सकता। वो फिर उसी गिटार शॉप पर जाता है जहाँ वो बचपन में जाया करता था। वहाँ उसे एक औरत मिलती है जिससे वो शॉप ओनर के बारे में पूछता है। वो बताता है कि वो उस शॉप ओनर की बेटी है जो अपनी 11th क्लास में पढ़ाई के लिए अब्रॉड चली गई थी। फिर वह यून ग्योल को घर के अंदर बुलाती है और अपने पिता के छोड़े गए गिटार को यून ग्योल को दे देती है और कहती है कि यही उनकी आखिरी इच्छा थी। इससे यून ग्योल बहुत इमोशनल हो जाता है। वह अपने फैसले पर फिर से विचार करने लगता है और उसे रियलाइज़ होता है कि उसे म्यूज़िक से प्यार है। फिर वो अपने प्रैक्टिस रूम में वापस जाता है और फिर से बैंड में शामिल हो जाता है। बाद में उसके पिता दोबारा पुलिस स्टेशन जाते हैं ताकि लैंडलेडी के बेटे को सबक सिखाए, लेकिन लैंडलेडी यून ग्योल के पिता को नीचा दिखाने के लिए रिवील करती है कि यून ग्योल ड्रग्स लेता है और अंडरग्राउंड शोज़ में परफॉर्म करता है। उसकी यह बात सुनकर वे बहुत शॉक हो जाते हैं और कंफर्म करने के लिए कॉन्सर्ट की जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां यून ग्योल को परफॉर्म करता देख वह बहुत गुस्सा होते हैं और दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। यून ग्योल सीन छोड़कर चला जाता है और एक खाली जगह पहुँचता है। इन सब चीज़ों से परेशान होकर वह अपना गिटार तोड़ने ही वाला होता है कि तभी कुछ अजीब सा देखता है। वो आसमान की तरफ देखता है और देखता है कि वहाँ 2 चांद हैं। जैसे ही वो इधर उधर देखता है, वो वही गिटार शॉप देखता है जो बचपन में जहाँ वो जाता था। वो अंदर जाता है और अपना गिटार बेच देता है। जब वो बाहर आता है तो वो खुद को 1995 में देखता है और साथ में वो अपने पिता के यंगर वर्जन से मिलता है जो बिल्कुल ठीक से सुन सकता है और बोल सकता है। और एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है एक ट्विस्टिंग एंड के साथ। तो दोस्तों, यह था ट्विंकलिंग वाटरमेलन के दूसरे एपिसोड का ड्रामा एक्सप्लेनेशन एक थ्रिलिंग ट्विस्ट के साथ। अगले एपिसोड का इंतज़ार रहेगा। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।